हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 में से सम नंबर 14, 15 एंड 16। तो यहाँ पर सम नंबर 14 की स्टेटमेंट है, इन फिगर ए पी इज पैरेलल टू बी क्यू इज पैरेलल टू सी आर, यानी कि ए पी, बी क्यू एंड सी आर तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। एंड वी हैव टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी आर। तो यहाँ पर हमें डायग्राम में दिया गया है कि ए पी, बी क्यू एंड सी आर ये एक दूसरे के पैरेलल लाइन हैं, और इसके बाद यहाँ पर ए क्यू, पी बी, बी आर, सी क्यू एंड ए सी एंड पी आर इन सभी को ज्वाइन किया गया। और हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी, यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी आर के, पी बी आर। तो इस तरह से इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, एक जिसको मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है और एक जिसको मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को हमें यहाँ पर इक्वल शो करना होगा। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो हमें ये गिवन है कि ए पी, बी क्यू एंड सी आर ऑल आर पैरेलल्स टू ईच अदर। फिर हम लिखेंगे टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ट्राइंगल ए क्यू सी का एरिया एंड पी बी आर का एरिया एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर इसके प्रूफ में लिखेंगे कि ट्राइंगल ए क्यू बी एंड पी बी क्यू आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। तो जैसे कि हमें गिवन है कि ए पी एंड बी क्यू ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो इनके बीच में दो ट्राइंगल बने हैं, एक जिसका नाम है ए बी क्यू, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, और एक जिसका नाम है पी बी क्यू। तो इन दोनों ट्राइंगल का सेम एक ही बेस है बी क्यू, और ये दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बने हैं, दैट्स वाई इन दोनों ट्राइंगल का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी क्यू एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, इन दोनों के एरिया को हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए क्यू बी एंड पी बी क्यू आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, दैट्स वाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी क्यू, और इसको हम यहाँ पर नाम देंगे इक्वेशन नंबर वन। सेम इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू बी आर को भी हम एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, जैसे कि हमें पता था कि बी क्यू एंड सी आर भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इनके बीच में जो ट्राइंगल बने हैं वो है एक तो ट्राइंगल बी क्यू सी, यानी कि ये ट्राइंगल, और इसी के साथ एक ट्राइंगल यहाँ पर बना है क्यू बी आर, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों का सेम ये बेस है, और ये दोनों इन पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए हैं, तो इसलिए हम इन ट्राइंगल के एरिया को भी एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर टू। तो जब हम इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड के साथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड के साथ राइट हैंड साइड, तो सबसे पहले अब हमें ऐड करना होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये ट्राइंगल हमारे पास है ए क्यू बी, और इसमें हमें ऐड करना है बी क्यू सी। तो इस तरह से इन ट्राइंगल्स को ऐड करने के बाद हमारे पास ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा जिसका नाम है ए क्यू सी, आप ये देख सकते हो। तो इसलिए अब वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ऐड करके लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए क्यू सी। इसी तरह से राइट हैंड साइड में पी बी क्यू एंड क्यू बी आर को जब हम ऐड करेंगे, तो आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि पी बी क्यू एंड क्यू बी आर इन दोनों को जब ऐड किया गया, तो यहाँ से हमारे पास ट्राइंगल आ गया है ये वाला जिसका नाम है पी बी आर। तो अब हम वहाँ पर राइट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी आर, और यही इस सम के अंदर हमें प्रूफ करना था। इसके बाद सम नंबर 15। तो सम नंबर 15 की स्टेटमेंट है, डायगनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इन सच अ वे दैट एरिया ऑफ ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी ओ सी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल हमारे पास है ए बी सी डी,
किस टाइप का ये क्वाड्रिलेटरल है ये हमें गिवन नहीं है, हमें जस्ट सिर्फ इतना पता है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगनल एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ए ओ डी का एरिया यानी कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो एरिया ऑफ बी ओ सी के यानी कि इस ट्राइंगल के इक्वल है। तो इसका यूज़ करके हमें ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है ये एक ट्रैपिजियम है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रैपिजियम शो करने के लिए उसकी अपोजिट साइड के केवल एक पेयर को हम पैरेलल प्रूफ कर देते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर ए बी को डी सी के पैरेलल दिखा दें तो हम ये कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक ट्रैपिजियम है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें ये है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ए ओ डी ट्राइंगल का एरिया बी ओ सी ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूफ। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक ट्रैपिजियम होगा। तो जैसे कि हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। तो ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था इसलिए हमने यहाँ पर इसका रीज़न लिख दिया है गिवन। अब यहाँ पर हम दोनों साइड में इस ट्राइंगल के एरिया को ऐड करेंगे यानी कि इस सी ओ डी को ऐड करेंगे। तो इसलिए एडिंग एरिया ऑफ सी ओ डी बोथ साइड्स। तो पहले हम ए ओ डी में इस सी ओ डी को ऐड करेंगे और फिर बी ओ सी में भी इस सी ओ डी को ऐड करेंगे। तो जब हम यहाँ ए ओ डी एंड सी ओ डी को ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये है ए ओ डी एंड ये है सी ओ डी। तो इन ट्राइंगल्स को ऐड करने से हमारे पास ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा जिसका नाम है ए सी डी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों को ऐड करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। इसी तरह से जब हम बी ओ सी एंड सी ओ डी को ऐड करेंगे तो डायग्राम में यहाँ पर आप देखिए कि बी ओ सी एंड सी ओ डी को ऐड करने के बाद ये ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगा जिसका नाम है बी डी सी या बी सी डी भी आप इसको कह सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है इनको ऐड करके कि एरिया ऑफ बी सी डी यानी कि इन दोनों ट्राइंगल का जो एरिया है ए सी डी एंड बी सी डी इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। और हम ये डायग्राम से देख सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर बने हुए हैं। आप यहाँ पर देखिए कि ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी ये दोनों ट्राइंगल सेम एक ही बेस यानी कि डी सी पर बने हैं। और ये अभी हमने प्रूव कर दिया है कि इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर इनका एरिया इक्वल है और ये सेम बेस पर बने हैं तो इसका मतलब ये है कि जिन पैरल जिन लाइंस के बीच में ये ट्राइंगल्स बने हैं वो लाइंस एक दूसरे के पैरल हो जाएंगे। ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी डी आर ऑन द सेम बेस, ये अभी हमने डायग्राम से देखा। एंड हैविंग इक्वल एरियाज, ये अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया है। तो अगर ये सेम बेस पर बने हैं और इनका इक्वल एरिया है तो जिन पैरेलल लाइंस के जिन लाइंस के बीच में बने हैं यानी कि ए बी और डी सी के बीच में बने हैं तो हम उनको पैरेलल कह सकते हैं। और अगर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर ए बी एंड डी सी एक दूसरे के पैरेलल हैं दैट्स वाई हम उस ए बी सी डी को एक ट्रैपिजियम कह सकते हैं। इसके बाद सम नंबर 16। तो सम नंबर 16 की स्टेटमेंट है इन फिगर एरिया ऑफ डी आर सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ डी पी सी एंड एरिया ऑफ बी डी पी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए आर सी। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमें ये गिवन है कि डी आर सी यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया एंड डी पी सी डी पी सी यानी कि इस ट्राइंगल का एरिया ये दोनों ट्राइंगल का एरिया हमें इक्वल गिवन है। इसी के साथ साथ हमें ये भी गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी पी यानी कि ये वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए आर सी के। यानी कि इस ट्राइंगल के तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें दो पेयर्स दिए गए हैं ट्राइंगल्स के जिनका एरिया इक्वल है। और हमें यहाँ पर यह प्रूफ करना है, इसमें कहा गया है कि शो दैट बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स ए बी सी डी एंड डी सी पी आर ट्रैपिजियम। तो हमें यह प्रूफ करना है कि ए बी सी डी एक ट्रैपिजियम है
और इसी के साथ साथ ये प्रूफ करना है कि DCPR ये भी एक ट्रैपेजियम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे गिवन। तो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है कि DRC एंड DPC का एरिया एक दूसरे के इक्वल है, एज वेल एज BDP एंड ARC इनका एरिया भी एक दूसरे के इक्वल है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ABCD एंड DCPR ये दोनों ही क्वाड्रिलेटरल ट्रैपेजियम है। तो अगर हमें इनको ट्रैपेजियम प्रूफ करना है तो हम पहले AB को DC के पैरेलल शो करेंगे, तब हम इस ABCD को ट्रैपेजियम कह सकते हैं, और फिर हम DC को RP के पैरेलल शो करेंगे तब हम इस DCPR को भी ट्रैपेजियम कह सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ। जो हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन था कि DRC एंड DPC इन दोनों ही ट्रायंगल्स का एरिया एक दूसरे के इक्वल है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इट इज़ गिवन दैट एरिया ऑफ DRC इक्वल्स टू एरिया ऑफ DPC, और इसको हम यहाँ पर नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि ट्रायंगल DRC यानी कि ये ट्रायंगल, और इसी के साथ साथ ट्रायंगल DPC यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि इन दोनों का सेम एक ही बेस है DC, और ये हमें स्टेटमेंट के साथ कहा गया है कि इन दोनों का एरिया इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल DRC एंड DPC आर ऑन द सेम बेस। ये अभी हमने डायग्राम में देखा कि दोनों का सेम बेस है एंड हैविंग इक्वल एरिया, ये हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि दोनों का एरिया इक्वल है। इसका मतलब कि जिन लाइन के बीच में ये बने हुए हैं तो ये दोनों DC और RP के बीच में बने हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि DC और RP एक दूसरे के पैरेलल हैं। और अगर DC एंड RP एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब ये होगा कि DCPR एक ट्रैपेजियम है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं hence DCPR is a trapezium। तो इसी के साथ साथ हमें स्टेटमेंट पे ये भी दिया गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDP इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, तो इसका रीज़न हमने यहाँ पर लिख दिया है गिवन। इसके बाद हम इन दोनों को पलट करके लिख देंगे, यानी कि ARC को लिख देंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में और BDP को हम लिख देंगे राइट हैंड साइड में, और इस स्टेप को अब हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, उस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ARC माइनस DRC एंड BDP माइनस DPC। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ARC में से DRC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आप यहाँ पर डायग्राम में देखिए कि हमारे पास ये ट्रायंगल है ARC, और इसमें से जब हम DRC को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बचेगा जिसका नाम है ADC, ये वाला ट्रायंगल, आप इसको ADC या ACD कह सकते हो। तो हमने वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए जब हम BDP में से DPC को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आप डायग्राम में देखिए BDP, जब हम इस ट्रायंगल में से DPC को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा जिसका नाम होगा BDC, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो इसलिए हमने वहाँ पर राइट हैंड साइड में उन दोनों को माइनस करके लिख दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। और अब ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BDC इन दोनों का एरिया इक्वल अभी हमने प्रूव किया, और ये हम डायग्राम में से देख सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का एक ही बेस है, यानी कि ADC एंड BDC इन दोनों का सेम एक ही बेस है DC। तो अगर इनका बेस सेम है, ये हम डायग्राम से देख सकते हैं, इनका एरिया इक्वल है, ये अभी हमने सब में प्रूफ किया है, तो इसका मतलब है कि अगर ये AB और DC के बीच में बने हैं तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और अगर AB और DC एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब होगा कि ABCD एक ट्रैपेजियम है। तो हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं कि अगर इनका एरिया इक्वल है
और ये सेम बेस पर बने हैं जैसे कि अभी हमने डायग्राम से देखा, तो इसलिए ए बी और डी सी एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक ट्रैपेजियम हो जाएगा। तो ये थे इस एक्सरसाइज के सम नंबर 14, 15 एंड 16। और इसी के साथ साथ हमने एक्सरसाइज 9.3 और अपने चैप्टर 9 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 10 के साथ। तब तक के लिए आप चैप्टर 9 की अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।